HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। बाहुबली मुख्तार अंसारी को अवधेश राय की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कई वर्ष पहले गाजीपुर के में अवधेश राय की हुई थी हत्या। अरेस्ट ऑफ प्रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1,00,000 जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। अब उसके खिलाफ क्या रास्ते हैं उनके लिए, बताओ कि क्या? अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा। छह महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद, या जिसको आजीवन कारावास कहते हैं वो सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं नहीं देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है, देखिए 1,00,000 जुर्माना उसमें भी लगा है और 145 में 20,000 रुपया जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देते तो 3 महीना और जेल में। तो इस जी देखिए ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा, आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है, और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है, शासन बाद में चलने पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेज में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा अनुमान। सवाल उठ रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में, तो जो उन्होंने सजा काट ली है क्या उस पर माइनस होगी या उतनी सजा? देखिए ऐसा है कि इनको 4-5 अन्य मामलों में भी सजाएं हुई हैं, तो जो अन्य सजाएं हैं वो उस पे उनको उसमें कंपनसेट हो सकता है, लेकिन इसमें आजीवन कारावास जो अब कोर्ट में इसको जो आगे जब जाएंगे वो क्या अपील में इसका ग्राउंड लेते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कैसे उसका दिन की गणना होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। कितना जुर्माना लगा है? 1,00,000 जुर्माना 302 में, और एक और जो धारा थी उसमें 20,000, और यदि वो नहीं देते हैं 145 तो उसमें इनको 6 महीना और इस तरह से 3 महीना। ये कोर्ट का हर चूंकि अपराध जो उनके ऊपर साबित होता है तो अलग अलग जो उसके पनिशमेंट होता है वो देना होता है, तो उसमें अलग अलग उनको पनिशमेंट सुनाया गया। ऊपरी अदालत में भी जाने का रास्ता एकदम खुला हुआ है। इस देश में भारतीय संविधान के अनुसार, IPC के अनुसार हर व्यक्ति को अपलेट राइट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो अपील की राइट सबको है, वो भी मुलजिम है उनको भी राइट है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितने दिनों में आप, कितना क्या समय अवधि होती है जब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च अदालत जा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि एक टाइम लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन में वो जाएंगे और उनके वो उनके वकील का विषय है कब वो जाते हैं क्या देखते हैं। अभी क्या मुख्तार के वादी मतलब बचाव पक्ष की ओर से वकील वहाँ मौजूद थे? जी उनके तरफ से अनुज यादव और विकास सिंह और तमाम लोग मौजूद थे। ADGC जो थे वो थे विनय सिंह जी थे, DGC पूर्व आलोक चंद शुक्ला थे, 4 लोगों ने आर्गुमेंट किया उनके तरफ से, मतलब अभियोजन की तरफ से, और उनके पर्सनल वकील। मुख्तार क्या VC के जरिए जुड़ा था? हाँ, विशेष रूप से उनका चेहरा दिख रहा था, और वो जो थे वो अपने को बेगुनाह, जैसा हर मुलजिम कहता है अपने को बेगुनाह बता रहे थे। कोर्ट ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया और उनको आजीवन कारावास। 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों परिवार और अपने वकील हमारे जो लोग सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है, और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया आदेश भैया की सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है सब। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।